हे वंडरफुल लर्नर्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ सो पार्ट फोर डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट रहेगा इस सीरीज़ का इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू कश्मीर थ्री पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्ले में जाके आप देख सकते हो आज भी टोटल ट्वेंटी फ़ाइव रहेंगे सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी के साथ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी आपकी स्क्रीन पर है पेंगोंग लेक वन ऑफ द मोस्ट फेमस lakes ऑफ Leh Ladakh, डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द टिबन वर्ल्ड पेंगोंग टसो विच मीन्स ठीक है पेंगोंग टसो का आपने मीनिंग बताना है क्या है ऑप्शन ए है हाई साफ लैंड लेक बी है हाई ग्रास लैंड लेक सी है हाई ब्रैकिश लेक और डी है नन ऑफ द वर्क ठीक है कुछ बच्चे ऑप्शन ए के साथ जा रहे होंगे मगर मैं बता दूँ आंसर जो है सही ऑप्शन बी है हाई ग्रास लैंड लेक ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन पे नुब्रा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ठीक है नुब्रा वैली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है क्या रामबन में है किश्तवाड़ में है करगिल में है या ले में है क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन ठीक है सो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा नुब्रा वैली इज लोकेटेड इन ले डिस्ट्रिक्ट ठीक है यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ आप याद रखेंगे चलिए सुरू वैली कहाँ पर है ठीक है सुरू वैली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हम बताएंगे ज़रा ऑप्शन ए है ले बी है कठुआ सी है श्रीनगर और डी है कारगिल ठीक है सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सिरू वैली इज लोकेटेड इन कारगिल ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर सेवनटी नाइन आपकी स्क्रीन पे है और इस जगह में मैं गई भी हुई हूँ अगर मेरे चैनल पे आप जाओगे तो वहां पे मैंने छोटी सी वीडियो भी डाली है इसकी शॉर्ट क्लिप डाली है इस जगह पे गई थी और इतनी ठंडी हवा चलती है ये बिल्कुल टॉप पे है पंजारी में चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन डैश इज सिटुएटेड ऑन हिलॉक इन ए विलेज मीर ऑफ ब्लॉक पंच इन ए सीनिक स्पॉट विच इज सराउंडेड बाई मिडोस लॉफ्टी माउंटेन्स एंड लश फॉरेस्ट फॉरेस्टेस ठीक है तो वो कौन सी प्लेस है ऑप्शन ए है शांकरी देवता टेम्पल बी है मोंगरी केव सी है सुद्ध महादेव और डी है मानतलाई तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा शांकरी देवता टेम्पल ठीक है चलेंगे क्वेश्चन नंबर एटी पे ओके okay. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना भी हुआ है चलिए करिए मार्क अपना आंसर क्वेश्चन नंबर एटी डैश इज द प्लेस वेयर लॉर्ड शिवा गॉड मैरिड टू गॉडस पार्वती ठीक है यहाँ पे शिव पार्वती का विवाह हुआ था वो कौन सी जगह है ऑप्शन ए है महादेव बी है मानतलाई सी है शेषनाग टेम्पल और डी है नन ठीक है करेक्ट so ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा मानतलाई इज ए प्लेस वेयर लॉर्ड शिवा गॉड मैरिड टू गॉडेस पार्वती क्वेश्चन नंबर एटी वन आपकी स्क्रीन पे है शाबाश मार करिए रामनगर इज सिटुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ डैश इन मिड हिमालय ठीक है सो so, कौन सी नदी के लेफ्ट uh, बैंक में रामनगर सिटुएटेड है ऑप्शन ए है चिनाव रिवर बी है कुद रिवर सी है देवका रिवर और डी है अंजी रिवर आई थिंक रामनगर फोर्ट होगा यहाँ पे ठीक है सो so, ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कुद रिवर ओके okay? चलिए ओके सो ठीक है रामनगर फोर्ट है रामनगर फोर्ट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ कुदरीवर ठीक है क्वेश्चन नंबर एट्टी टू पर चलेंगे रामनगर फोर्ट इज़ बिलीव टू हैव बीन बिल्ड बाय ठीक है रामनगर फोर्ट किसने बनाया है ऑप्शन ए है राजा रणजीत सिंह ने बी है सुचेत सिंह ने सी है गुलाब सिंह ने एंड डी है सुचेत सिंह ठीक है एक को एलिमिनेट कर दो ये दोनों रिपीट हो गए ऑप्शन सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन बी रहेगा सुचेत सिंह ने रामनगर फोर्ट को बनाया है ठीक है चलेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री एटी थ्री पे क्वेश्चन नंबर एटी थ्री आपकी स्क्रीन पे है द ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट क्रिमची हैज़ बीन बिल्ट ओवर द एलिवेटेड टेरेस ऑफ बिरुनाला इन विच डिस्ट्रिक्ट ठीक है सो क्रिमची टेम्पल बेसिकली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये पूछा जा रहा है सो बताइए ऑप्शन ए है उधमपुर बी है सांबा सी है कठुआ और डी है जम्मू ठीक है खुद की मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हूँ मगर मैं आज तक तो क्रिमची जो टेम्पल्स है वहाँ पे नहीं गई हूँ ठीक है सो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जो है वो ऑप्शन ए है उधमपुर ठीक है तो क्रिमची टेम्पल जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटी फोर पे क्वेश्चन नंबर एटी फोर आपकी स्क्रीन पे है रीड करिए नीलमत पुराण दैट वॉज रिटिन इन सेवन सेंचुरी बाई डैश मैं दैट द देविका रिवर इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द गॉडेस पार्वती हर सेल्फ टू बेनिफिट द पीपल ऑफ माधर देशा दैट कवर्ड एरिया बिटवीन रावी एंड चनाव ठीक है तो आपने बताना है कि नीलमत पुराण किसने लिखी है ठीक है ऑप्शन ए है कलहाना ने बी है नीला मुनि मुनि ने सी है जोना राजा ने या डी है वासुगुप्ता ने ठीक है तो नीलमत पुराण किसने लिखी है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नीला मुनि ने चलिए क्वेश्चन नंबर एटी फाइव पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटी फाइव आपकी स्क्रीन पे है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रामसर साइड इन जे एंड के ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा इनमें से जम्मू कश्मीर में जो रामसर साइट है वो नहीं है अच्छा ये मुझे बताओ सबसे पहले जम्मू कश्मीर की रामसर साइट जो डिक्लेयर हुई थी वो कौन सी थी इनमें से बताओ ज़रा ठीक है तो सबसे पहले जो रामसर साइट डिक्लेयर हुई थी जम्मू कश्मीर में वो हुई थी आई थिंक नाइनटीन में और वो थी वुलर लेक ठीक है ट्वेंटी मार्च नाइनटीन में आई थिंक ठीक है एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे ठीक है तो इनमें से कौन सी रामसर साइट नहीं है ठीक है ठीक है ऑप्शन ई e भी है यहाँ पे मार्क करेंगे सो ऑप्शन ई e यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वुलर भी है होकेरा वेटलैंड भी है सुरैसर मानसर भी है हिगम भी है एक और है ठीक है टोटल पाँच हैं ठीक है टोटल पाँच है तो ये चार मैंने आपको बता दिए हैं पाँचवीं आपने मुझे बताने हैं कि रामसर पाँचवीं रामसर साइड कौन सी है ये मैंने आपको जब रामसर साइड पे लेक्चर लिया था वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था हिगम और एक और थी इसके साथ जो न्यूली ऐड हुई है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ ठीक है आपको याद होना चाहिए चलो क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटी आपकी स्क्रीन पर है नीला ग्रेट नियर सोना मार्क इसे इज़ इज वियर ए माउंटेन रिवर रेड इन कलर मीट द माइटी इंडस रिवर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ठीक है थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे यहाँ पे आप मुझे बताओ कि नीला ग्रेड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ऑप्शन ए है डोडा बी है रामबण सी है करगिल या डी है गांधरबल ठीक है अगर किसी को पता होगा कि सोनमार्ग कहाँ पर लोकेटेड है उसको ये भी पता चल जाएगा कि नीला ग्रैड कहाँ पर लोकेटेड है ठीक है सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सोनमार्ग कहाँ पर लोकेटेड है गांधरबल में है सो नीला ग्रैड भी गांधरबल में ही सिटुएटेड है चलेंगे क्वेश्चन नंबर 87 सेवन पे और क्वेश्चन नंबर 87 सेवन आपकी स्क्रीन पे खीर भवानी टेम्पल एंड गडसर लेक इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ठीक है तो so, खीर भवानी टेम्पल और गडसर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ऑप्शन ए है रामबन बी है कारगिल सी है गांधरबल और डी है सांपा तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन सी ही रहेगा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है चलेंगे क्वेश्चन नंबर एटी एट पे क्वेश्चन नंबर एटी एट शाबाश माफ करो अपना आंसर द मुगल गार्ड मुगल गार्डन कार द जरोखा मीनिंग बे विंडो बिल्ड बाय नूर जहाँ ओवर लुक्स द डैश लेक ठीक है सो मुगल गार्डन जो है जिसको जरोखा कहा जाता है जो नूर जहाँ ने बनाया था ओवर लुक्स द डैश लेक ठीक है तो कौन सी लेक को ओवरलुक करता है वो ऑप्शन ए है डल लेक बी है वुलर लेक सी है मनसबल लेक और डी है गढ़सर लेक ठीक है सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा जी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा मनसबल लेक ओके सो मनस लेक इज द डीपेस्ट लेक इन इंडिया ठीक है और कितनी डेप्थ है इसकी थर्टीन मीटर ठीक है चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर एटी नाइन पे क्वेश्चन नंबर एटी नाइन आपकी स्क्रीन पे है विच लेक कश्मीर लेक्स ठीक है तो कौन सी लेक को सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स कहा जाता है ऑप्शन ए है डल लेक बी है बुलर लेक सी है मनसिपल लेक और डी है मानसर लेक ठीक है सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा शाबाश, आई होप आप सबने आच, आ, सही आंसर मांग कर लिया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा मनसिपल लेक को ही सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक कहा जाता है ठीक है सो चलेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटी पे क्वेश्चन नंबर नाइनटी आपकी स्क्रीन पे है सोन मार्ग मीन्स मिडो ऑफ गोल्ड ठीक है सोनमार्ग मीन्स मिडो ऑफ गोल्ड इस लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ठीक है कई बार ये भी पूछा जाता है कि सोनमार्ग को क्या कहा जाता है इसको मिडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है तो ये कहाँ पर लोकेटेड है सो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गांधरबल में लोकेटेड है सो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन आपकी स्क्रीन पे है विच अमंगज नॉट द रामसर साइट लोकेटेड इन लद्दाख ठीक है तो इनमें से कौन सी रामसर साइट लोकेटेड नहीं है लद्दाख में ठीक है ऐसे तो ये तीनों ही लद्दाख में लोकेटेड है मगर रामसर साइट कौन सी नहीं है वो आपने पहचाननी है ठीक है सो ऑप्शन ए है टसो मुरारी लेक बी है टसोकर लेक और सी है पेंगोंग टसो और डी ऑल ऑफ द वर्ब आर द रामसर साइड ओके सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ठीक है टसो मुरारी लेक एंड कर लेक ये दोनों ही रामसर साइट्स हैं लद्दाख में ठीक है ये रामसर साइट्स हैं मगर पेंगोंग टसो रामसर साइट नहीं है ठीक है सो करेक्ट ऑप्शन होएगा ऑप्शन सी चलेंगे आगे बढ़ेंगे ठीक है अब मिक्स रैपिड फायर रहेगा आपका ठीक है सो ऑलमोस्ट सारे एम डिस्कस हो चुके हैं अब मिक्स जो भी डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 92 टू निशात बाग इज़ बिल्ट बाय है निशांत बाग जो कि श्रीनगर में है वो किसने बनाया था ऑप्शन ए है जहांगीर ने बी है नूर जहां ने सी है आसिफ खान ने या दी है डी है दारा शिखो ने ठीक है सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा आसिफ खान जो कि नूर जहाँ के ब्रदर थे उन्होंने निशांत बाग बनाया था ठीक है सो चलेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री पे फटाफट फट से करेंगे आंसर विच मुगल गार्डन इज नोन एज स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी ठीक है कौन से मुगल गार्डन को स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है ठीक so, है सो ऑप्शन ए है शालीमार बी है अच्बल गार्डन सी है निशांत पार्क निशांत गार्डन और डी है परी महल सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा परी महल रहेगा और इसको बनाया किसने था दारा शिगोर ने जो कि एल्डरसन थे शाहजहां के ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर पर चलते हैं फटाफट से करेंगे आंसर क्योंकि ये रैपिड फायर है गुलमर्ग वास ओरिजिनली नेम्ड गोरीमार्ग एंड वास रीनेम्ब गुलमर्ग बाई होम ठीक है गुलमर्ग का जो ओरिजिनल नेम था वो गोरी गोरीमार्ग था याद रखेंगे और उसको रीनेम किया था गुलमर्ग बाई होम ठीक है किसने उसका नाम गुलमर्ग रखा था सो ऑप्शन ए है आता मोहम्मद खान बी है गुलाब सिंह सी है जहांगीर और डी है यूसुफ शाहचक सर so, करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा शाहबाश ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा यूसुफ शाहचक ने गुल गुलमार्ग गु, गुल का जो नाम गोरी गोरीमार्ग था फिर बदल के गुलमार्ग रख दिया था ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव पर चलेंगे शाहबाश मार्क करिए अपना आंसर जेना जेनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई जेनुलब्दीन ऑन विच लेक ठीक है जेना जेनाल जेनबूद्दीन ने बनाया था मगर कौन सी लेक पे बनाया था ऑप्शन ए है डल लेक बी है मनसबल लेक सी है वुलर लेक और डी है नन ऑफ द वर्व करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन सी रहेगा वुलर लेक में ये बनाया था ओके okay? जेना जैनालंक एक बेसिकली एक आईलैंड है ओके okay? चलो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स मार्तन टैपल एट अनंतनाग इज डेडिकेटेड टू विच हिंदू लॉ ठीक है मार्तन टेपल कौन से हिंदू भगवान को डेडिकेटेड uh, है ऑप्शन ए है शिवा बी है विष्णु सी है सूर्य और डी है इंदिरा ठीक है सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होएगा ये सूर्य देव को समर्पित है डेडिकेटेड है ओके क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स सेवन पे चलते हैं सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जामवद केव ठीक है तो इनमें से इन दिए गए ऑप्शन में से जामवत केव किसको कहा जाता है ऑप्शन ए है शिवकोड़ी बी है नंगली साहिब सी है पीर खू और डी है कुद ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा शाहबाश ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा पीर खू को जामवंत केव कहा जाता है चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आंसर मार करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट मुबारक मंडी पैलेस रिमेन द मेन सीट ऑफ महाराजा ऑफ डोगरा डायनेस्टी टिल नाइनटीन ट्वेंटी फाइव ठीक है याद रखेंगे उन्नीस सौ पच्चीस तक वो उनकी मेन सीट थी वेन महाराजा हरि सिंह मूव्ड टू ठीक है महाराजा हरि सिंह कहाँ पे मूव कर गए थे फिर ऑप्शन ए है अमिर अमर महल पैलेस बी है हरिनिवास पैलेस सी है अखनूर फोर्ट और डी है बख फोर्ट शाबाश मार्क करो अपना आंसर सो करेक्ट ऑप्शन है सबको पता ही होगा हरिनिवास पैलेस में वो चले गए थे क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन पर चलते हैं विच टेम्पल इज नोन एज छोटा काशी ठीक है कौन से टेम्पल को छोटा कहा काशी कहा जाता है ऑप्शन ए है पीर खू टेम्पल बी है रणवीरेश्वर टेम्पल सी है पुरमंडल टेम्पल और डी है पन पंचवक्ता टेम्पल ठीक पंचभक्त टेम्पल को और क्या कहा जाता है रुपे वाला मंदिर ठीक है रुपे वाला मंदिर सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा पुरमंडल टेम्पल को छोटा काशी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड पे चलते हैं और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया ठीक है सबसे ठंडी जगह कौन सी है इंडिया की ऑप्शन ए है द्रास बी है करगिल सी है सोनमार्ग और डी है पहलगाम तो so, सबको पता ही होगा इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा द्रास जो कि लद्दाख में है ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और कंप्लीट सीरीज़ जिन्होंने देखी है आई होप उनका पूरा का पूरा रिविज़न हो गया होगा बाकी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको कंप्यूटर का मॉक प्रोवाइड किया हुआ है प्लस जम्मू कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए हुए हैं वो भी आप देख सकते हो ठीक है बाकी हम नेक्स्ट जो है वो साइंस का मॉक करेंगे ठीक है साइंस का मॉक करेंगे बाकी आप खुश रहिए खुशियाँ बांटते रहिए व बाय टेक केयर